नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सनातन धर्म के अनुयायी गंगा एवं नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मानना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से काफी पुण्य मिलता है। इस दिन लोग गंगा सहित अपने आसपास के नदी तालाबों या सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं, अब पूजा याचना करते हैं। निरसा के दामोदर नदी स्थित एवं मैथन डैम में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आज मंगलवार को एकत्रित हुए और आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना भी की और दान पुण्य भी किए। मंदिर के पुजारी ने बताया, कार्तिक मास के पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान से पापों का नाश होता है एवं पुण्य के भागी बनते हैं। आज के दिन दान पुण्य करना काफी लाभकारी होता है। पूर्णिमा है, हमारे माता बहनों आज डुबकी लगा के स्नान स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं और हमारे सालों साल से ये सब चलते रहते हैं, परंपरा चलते रहती है और खुशी का है कि हमारे गंगा स्नान करके सब कोई अपने अपने फल उल जल उल अपना स्नान स्नान करके सनातन धर्म में 12 महीना में 2 महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है, बैसाख महीना और कार्तिक महीना। खासकर कार्तिक महीना ये सबसे शुद्ध महीना माना जाता है। इस महीना में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गंगा स्नान करते हैं उनका सब पाप का विनाश होता है, शारीरिक कष्ट से निवृत्ति मिलती है। बोले हैं कि अगर भक्ति को खोस ना, पूजन भगवान का पूजन और गंगा स्नान, इससे मन शुद्ध होता है।